क्लच ब्रेक देख सकते हो, जो कार वाले जो पेडल आते हैं उसी प्रकार से गियर देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर आप यहाँ पर देखोगे तो गियर के ही अंदर आपको पार्किंग वाला जो ब्रेक का ऑप्शन है वो देखने को मिलता है, जो कि बहुत से भाइयों को पता नहीं है इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर देखते हैं इधर नीचे ऊपर देखते हैं, पर वो वाला जो ऑप्शन है उसी के अंदर देखने को मिल जाता है आपको। तो ये भी पहले भी था अपने पास ट्रैक्टर। अच्छा, कौन कौन से मॉडल हैं? मेसी 1035 है। अच्छा, मेसी 1035। और इसके अलावा 744 17 मॉडल है। अच्छा, सौराज का मॉडल भी है। तो जॉन डियर की तरफ आने का क्या कारण बना भाई, जॉन डियर का मॉडल लिया जाए 5210? एक तो इसमें जो है ये प्लास्टिक, ये नए ट्रैक्टर की मिठाई देख सकते हो भाई, मिठाई भी बढ़ गई है भाई, और किसान भाई काफी खुश है भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाइयों, आज की वीडियो के अंदर देखो भाई, किसान भाई ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, मॉडल है जो जॉन डियर का है भाई, 5210 वाला मॉडल है, गियर प्रो के नाम से जो मॉडल आता है, और काफी लेटेस्ट मॉडल है आज के टाइम में किसान भाइयों के बीच ये वाला मॉडल। 50 HP का दमदार और पावरफुल इंजन देखने को मिलता है, जैसे कि इसका डिटेल से रिव्यू भी चेक करते कर सकते हो आप, चैनल पर वीडियो डली हुई है इस वाले ट्रैक्टर की। पर फिर भी मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया बता देता हूँ, जैसे कि आगे भारी भरकम वेट दिया हुआ है, जो कि ट्रैक्टर आगे से नहीं उठेगा भाई, और सिंगल पीस हुड के साथ ये मॉडल मिलता है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं टायर के अंदर भी, आप यहाँ पर 7.5 वाले टायर भी ले सकते हो, बट यहाँ पर जो टायर साइज है वो देख सकते हो, 6/50/20 की साइज वाला जो बड़ा टायर आता है, जो इसकी साइज को एक आगे से ऊंचा कर देता है, तो ये वाला टायर इसके अंदर डला हुआ है। और पीछे के जो टायर है 16/28 की साइज में है, और यहाँ का जो सेट हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको। ट्रैक्टर के अंदर टर्बो मिल जाती है इस वाले मॉडल के अंदर आपको, और पीछे का जो हिस्सा है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, जैसे कि आपको ये देखो भाई, जॉन डियर के जो भी ट्रैक्टर हैं वो भारी भरकम और डीजल के जो टैंक हैं वो पीछे की साइड पे आता है, तो इसका एक फ़ायदा ये मिल जाता है आपको, जैसे ये वाला जो ट्रैक्टर जब वेट का काम भी करता है, टूल बॉक्स की जो क्वालिटी है वो भी देख सकते हो, यहाँ पर लोहे का ही टूल बॉक्स मिल जाता है आपको इस वाले मॉडल के अंदर, और इसके अंदर आयुष्मान वाले जो सेट कंपनी के टायर मिल जाते हैं, और क्लच ब्रेक देख सकते हो, जो कार वाले जो पेडल आते हैं उसी प्रकार से गियर देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर आप यहाँ पर देखोगे तो गियर के ही अंदर आपको पार्किंग वाला जो ब्रेक का ऑप्शन है वो देखने को मिलता है, जो कि बहुत से भाइयों को पता नहीं है इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर देखते हैं इधर नीचे ऊपर देखते हैं, पर वो वाला जो ऑप्शन है उसी के अंदर देखने को मिल जाता है आपको। तो ये भी एक बढ़िया सेफ्टी वाला फीचर मिल जाता है आपको। अब यहाँ पर जो किसान भाई ने जैसे ट्रैक्टर का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, किसान भाई से बात करते हैं, फिर ट्रैक्टर की जो ऑन रोड प्राइस है वो भी जानने की कोशिश करेंगे किसान भाई से, और सजा दिया है किसान भाई ने। और ये वीडियो है जैसे कि राजस्थान के कोटा जिले के अंदर जो सुल्तानपुर क्षेत्र है, तो यहाँ पर से आपने काफ़ी सारी वीडियो देखी होगी चैनल पर, तो ये ट्रैक्टर डिलीवर यहीं पे से हो रहा है, तो यहाँ का जो इनकी डीलरशिप का जो एड्रेस है वो देख सकते हो आप, जॉन डियर और हरमन एग्रो के नाम से ये इनकी ब्रांच है भाई यहाँ पर। किसान भाई से बात करते हैं भाई, नमस्कार जी। नमस्कार, नाम बताओ जी पहले तो आप। वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार, तो गांव कौन सा है अपना? रेल गांव। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? कोटा। अच्छा, कोटा जिले के अंदर पड़ता है। तो ये वाला मॉडल ले लिया, इसी के लिए पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छा, तो ये वाला जो मॉडल लिया है, इससे पहले भी था अपने पास ट्रैक्टर? है। अच्छा, कौन कौन से मॉडल है? मेसी 1035 है।
अच्छा मैक्सी 1035 और इसके अलावा 744 सौराष्ट्र का मॉडल है। अच्छा सौराज का मॉडल भी है। तो जॉन डियर की तरफ आने का क्या कारण बना भाई, जॉन डियर का मॉडल लिया जाए 5210? एक तो इसमें जो है ये प्लास्टिक में दिया हुआ है। अच्छा फाइबर का हुड आता है, फाइबर का हुड आता है, ये वजनी फोकट का वजन हटा दिया ट्रैक्टर पे। अच्छा और क्या क्या चीजें अच्छी लगी आपको इस वाले मॉडल की? खेती में चलाने के लिए बहुत सक्सेसफुल ट्रैक्टर है, एवरेज भी बहुत बढ़िया है। अच्छा एवरेज भी बढ़िया है। अपने गांव में है ये वाला मॉडल? हाँ अभी एक ही ट्रैक्टर है। अच्छा तो आपने उसे देख के और एक अनुभव ले लिया भाई ये वाला मॉडल? हाँ। अच्छा वैसे बढ़िया मॉडल है, काफी किसान भाइयों की पसंद है। और एक आइडिया पूछूं मैं आपसे कीमत वीमत का, तो किस कीमत तक? 9 लाख रुपए का लगभग पड़ेगा। अच्छा 9 लाख रुपए का ये वाला मॉडल पड़ा है। धन्यवाद हमारे किसान भाइयों को एक छोटी सी जानकारी देने के लिए। ओके तो भाई किसान भाई से जैसे एक छोटा सा इंटरव्यू था तो आपने जैसे सुना, अब ये नए ट्रैक्टर की मिठाई देख सकते हो भाई, मिठाई भी बढ़ गई है भाई और किसान भाई काफी खुश है भाई। जरूर जरूर।